मेरे सभी दोस्तों और भाई बहनों को मैं डॉक्टर हसमुख परीख मेरी यूट्यूब की इस यूनिक चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जी हाँ, रामायण में भी आपको रेकी का प्रसंग मिल जाएगा। आप शायद कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि डॉक्टर मिका उसने अभी थोड़े कई सालों पहले ही रेकी का सोची है, ठीक है, तो रामायण में कैसे रेकी आ गई। लेकिन हाँ, मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूँ और बाद में इसका मैं डिस्कशन करूंगा, फिर आपको बताऊंगा कि रामायण में कैसे रेकी का प्रसंग आ जाता है। देखिए, गौतम ऋषि और अहल्या, ये दोनों पति पत्नी होते हैं। अहल्या जो होती है वो बहुत ही सुंदर होती है, भगवान इंद्र की उसके ऊपर नजर बिगड़ती है। तो एक बार क्या होता है कि जब गौतम ऋषि सुबह सुबह अपने आश्रम से बाहर जाते होते हैं नहाने के लिए, तो उसी समय इंद्र गौतम ऋषि का वेश धारण कर देते हैं और सती अहल्या के पास सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो आश्रम से बाहर निकलते हैं, उसी समय गौतम ऋषि वहां आ जाते हैं। फिर उनको लगता है कि नहीं, ये तो कोई अलग ही है। फिर वो पानी छिड़कते हैं तो उसी समय इंद्र अपने असली रूप में आ जाते हैं। उसी समय सती अहल्या भी बाहर आ जाती है। फिर पता चलता है कि नहीं, ये तो बहुत ही गलत हो गया। गौतम ऋषि सती अहल्या को श्राप दे देते हैं कि जाओ तुम पत्थर की बन जाओ। सती अहल्या उनको बताती है कि इसमें मेरा कोई वाक ही नहीं है, तो मुझे फिर कृपया इसके जो श्राप दिया है उससे बाहर निकलने का मार्ग बताइए। तो गौतम ऋषि बताते हैं कि भगवान राम जब आएंगे वो तुमको पैर से छुएंगे तभी तुम्हारी मुक्ति होगी। तो इसको समय बीत जाता है, फिर भगवान राम का जन्म होता है, फिर वो बड़े होते हैं, फिर राम लक्ष्मण और उनके गुरु साथ में आते हैं उसी जगह पर जहाँ सती अहल्या पत्थर की बनी हुई थी। गुरु के आदेश से भगवान राम उनको अपने पैरों से छूते हैं और तभी उसी समय वो अपने असली रूप में सती अहल्या आ जाती हैं। तो ये क्या हुआ? आपको लग रहा है कि रेकी क्या सिर्फ हाथ से ही दी जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। हाथ से सिर्फ हम इसीलिए देते हैं ताकि हमको कंफर्टेबल लगे लगे, ठीक है, प्रोफेशनली भी उसको अच्छा लगती है, सामने वालों को जब हम रेकी देते हैं तो भी अच्छा लगता है, इसलिए हम हाथ से ही रेकी देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। रेकी अटूनमेंट में हम हाथ में जो सिंबल हो वो एक्टिवेट करते हैं, इसलिए हाथ से रेकी हम देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, रेकी हम अपनी सांसों से भी दे सकते हैं, जिसको जापानीज भाषा में कोकियो कहा जाता है। रेकी हम आंखों से भी दे सकते हैं, जिसको ग्योसियो कह सकते हैं, ग्योसियो कहा जाता है जापानीज भाषा में। रेकी हम आज्ञा चक्र से भी दे सकते हैं, रेकी हम अपने पैरों से भी दे सकते हैं। और भगवान राम का तो पूरा शरीर समझो रेकी ही रेकी था, वो तो दिव्य आत्मा है, दिव्य भगवान समझ लीजिए, उनके तो कण कण में रेकी है, इसलिए वो जिस किसी पर भी छू लेंगे, चाहे हाथ से छुए चाहे पैरों से छुए, वो उसका उद्धार हो ही जाने वाला है, ठीक है। तो ऐसा मत समझिए कि रेकी सिर्फ हाथ से ही दी जाती है, हम उसको कंफर्टेबल बनाने के लिए, कन्वीनियंट बनाने के लिए हाथ से देते हैं, लेकिन आंखों से भी, अपनी सांसों से भी, अपने नेवल से भी, अपने आज्ञा चक्र से भी, अपने पैरों से भी रेकी दे सकते हैं, समझे। लेकिन पैरों से रेकी देने में क्या, थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं होता है, थोड़ा ऑड फील होता है, इसलिए पैरों से रेकी नहीं दी जाती है, सिर्फ हाथों से ही रेकी दी जाती है। इसलिए रेकी का उल्लेख आपको रामायण में भी मिल जाता है, ठीक है। मेरी ये स्टोरी कैसी लगी हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जरूर से बताएं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और दूसरे लोगों को शेयर भी कीजिए, क्योंकि मेरी इस चैनल में आपको हीलिंग के रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। मेरे एक वीडियो में मैंने बताया है कि सबसे बड़ी रेकी पर आज तक की सबसे बड़ी बहस, उसका पार्ट 1, पार्ट 2 धीरे धीरे आने वाला है, तो वो भी आप जरूर से देखें। आपके मन में रेकी के प्रति जो कुछ नेगेटिव बिलीव्स होगा ना, वो निकल जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।